घरों के टूटने का एक बहुत बड़ा सबब यह है कि जब बीवी अपने शौहर के साथ होने वाले उलझाव को, होने वाली लड़ाई को, होने वाली कोई अदम मवाफकत को अपने मेके बयान कर देती है, तो फिर ये शौहर को गवारा नहीं होता कि हमारे अंदर का मामला बाहर जाए, अगरचे उसने ज्यादती भी की हो, लेकिन फिर भी वो इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी बात कहीं और जाए। इंतहाई मजबूरी हो, हालात ऐसे हो जाएं, वो एक कमरे आखर है, लेकिन अमूमी तौर पे जो घरों में ऊंच नीच हो जाती है तो उसको कुछ खवातीन की आदत होती है कि वो मेके बयान कर देती हैं, फिर वहाँ से चलती चलती पूरे मोहल्ले गली में फैल जाती है, और वो ना भी उस पर बात कर रहे हों लेकिन लहजों की तलखी और रवैयों का तबद्दुल उस शोहर को बता देता है कि मामला क्या हुआ है, जो बात हुई है वो कैसे पहुंच गई है, अगर उन्होंने उसका तज़किरा ससुराल ने उसके साथ ना भी किया हो। तो ये एक जो है वो इंसान को अल्लाह ने हसासियत दी है, वो इन चीज़ों को महसूस कर लेता है कि मामला क्या हुआ है। और यहाँ आज के ज़माने में तो हमसाई को भी बता दिया, रिश्तेदार को भी बता दिया, वो व्हाट्सअप ग्रुप बने होते हैं, पूरे ग्रुप में डाल दिया कि ये क्या माजरा हुआ, और फिर अजीब रंग चढ़ता है और ख़ानदान टूट के रह जाते हैं और तलाकें वाक़या होती हैं। अगर कोई उलझाव हो तो वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, आज उलझन है कल नहीं होगी, फिर याद भी नहीं होगी कहाँ कहाँ उलझा हुआ था। ज़िंदगी में उलझने होती रहती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन वो उलझन ख़त्म हो जाएगी तो फिर याद भी नहीं रहेगा कहाँ कहाँ उलझन हुई थी। लेकिन अगर वो मेके पहुँच गई या ससुराल पहुँच गई, वो उलझन मोहल्ले गली में पहुँच गई, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती, और कभी ये भूलना चाहेंगी भी तो कोई याद करवा देगा, तो ज़िंदगी की तलखियाँ बरकरार रहेंगी। इसलिए खातून के लिए ये बहुत अहम मामला है घरों को टूटने से बचाने के लिए कि जो है वो कभी भी इस मामले को आगे ना बढ़ने दिया जाए। मैं आपके सामने हुजूर का एक वाक्य रखता हूँ। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, छोटी सी बात होती है फिर उस बात का बतंगड़ बनता है, फिर मेके पहुंचती है, फिर मेके से आगे खालाओं में, फिर नानी दादी, पता नहीं कहाँ तक बात चली जाती है, और फिर उस पर तबसरे शुरू होते हैं, और फिर घरों का चैन लुटता है, फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, फिर फसाद पैदा होते हैं, फिर तलाक तक नौबत होती है, बस कर बच्चे भी होते हैं, बच्चे रुल जाते हैं बेचारे। तो ऐसे वाक़ात रोज़ निगाहों से गुजरते हैं, तो ये एक बुनियादी चीज़ है। जब आग लगती है तो वो बिल्कुल छोटे पैमाने से लगती है, फिर भड़कती भड़कती वो पूरे जंगल को जला देती है। तो खातून ये कहे मैंने तो थोड़ी सी बात ही की थी, नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो। सही बुखारी में रिवायत है, एक दिन हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा भी थी, फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो मुझे पता होता है। कैसी नाराज़गी थी कि हज़रत आयशा बताया नहीं कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन हुजूर फरमाया कि जब तुम नाराज़ होती हो, यहाँ तो मेके तक पता होता ना, फरमाया मुझे पता होता जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो, नाराज़गी चल रही होती है तो मुझे पता होता है। तो हैरत से पूछा आपको कैसे पता चलता है, यानी मैं तो बताती नहीं हूँ। तो फरमाया कि जब तुम मुझसे राज़ी हो, और बातों बातों में अरबों की आदत है ना, कसम करके बात करते हैं, कोई भी अहम बात हो वल्ला बिल्ला तल्ला कसम उठा करते हैं, तो कहा जब बातों में कसम की नौबत आ जाए और तुम्हारी मेरे से कोई नाराज़गी ना हो, तो फिर बात करते हुए तुम कहती हो ला व रब मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम, फिर तुम कहती हो ला व रब मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम्हारे अंदर कोई नाराज़गी चल रही हो तो फिर बात कसम की आए तो तुम कहती हो ला व रब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। तो कहा इस बात का साइन है कि कोई नाराज़गी चल रही है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्करा पड़ी और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मा अहजुरु इल्ला इस्मा का, नाम छोड़ती हूँ दिल में आप ही होते हैं, नाम छोड़ती हूँ दिल में आप ही होते हैं। आप देखिए कि अगर कोई तबीयतों के तफावत की वजह से कोई ऐसा मामला हो भी गया तो कितनी हसासियत है नाराज़गी के इजहार का। अल्लाह अकबर, ये रंग देखिए और ये जमाल देखिए और ये खूबसूरती देखिए। क्योंकि हुजूर से अगर नाराज़ होती हैं तो फिर कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकती, सिर्फ शौहर ही नहीं रसूल भी तो है ना, कितना बड़ा मनसब है। तो इस मनसब का ख्याल है। तो कहा कि आयशा जब तुम नाराज़ होती हो तो बात कसम की आए तो तुम कहती हो ला व रब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। तो फरमाया ला अहजुरु इल्ला इस्मा का,
حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں، دل میں ڈیرے آپ کے ہوتے ہیں، دل میں بسیرے آپ کے ہوتے ہیں۔ تو طبیعتوں کے اندر ایک دوسرے کا اتنا لحاظ رکھنا، یہ پھر طبیعتوں کے اندر بودھ کی بجائے قرب پیدا کرتا ہے۔